क्रिकेट का खेल जहां बल्लेबाज हर समय ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की जद्दोजहद में लगा रहता है, और जब से क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट 2020 आया है तब से इस खेल में कई नए तरह के शॉट्स इजाद हुए हैं। इन्हीं में से एक शॉट है स्कूप शॉट, जिसे घुटनों के बल पर बैठकर विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेला जाता है, और इस शॉट को ईजाद किया है श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज ने, जिसे दुनिया तिलक रत्न दिलशान के नाम से जानती है। इसी वजह से इस शॉट का नाम दिल स्कूप शॉट पड़ा। वो दाएं हाथ के एक कमाल के बल्लेबाज थे और जरूरत पड़ने पर वो अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान भी करते थे, और क्षेत्र रक्षण में तो उनको विश्व के बेहतरीन क्षेत्र रक्षकों में शामिल किया जाता है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से कई बार लगभग हार के कगार पर खड़ी अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुँचाया है, और बड़े टूर्नामेंटों में तो उनका प्रदर्शन और भी लाजवाब रहा है। तो आइए आज बात करते हैं श्रीलंका के इस शानदार खिलाड़ी की जिंदगी के बारे में। तिलक रत्न दिलशान का जन्म 14 अक्टूबर 1976 को कलुत्रा, श्रीलंका में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मुस्लिम थे और उनकी माता एक बुद्धिस्ट थी। बचपन में दिलशान का नाम तुवन मुहम्मद दिलशान था। बचपन में उनकी माता उन्हें हमेशा बौद्ध मठ और मंदिर में लेकर जाया करती थी। इसी वजह से दिलशान बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए थे। जब दिलशान 16 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए, तब उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया और साथ ही साथ अपना नाम भी बदलकर तिलक रत्न दिलशान कर लिया। दिलशान के एक भाई भी है जिनका नाम तिलक रत्न संपत है, और वो भी श्रीलंका के लिए प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेलते हैं। दिलशान ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई जापना सिंगला मध्य महाविद्यालय से की और बाद में मोरातू महाविद्यालय कलुत्रा में दाखिला लिया, जहां पहली बार क्रिकेट के खेल से उनका परिचय हुआ। उसके बाद क्रिकेट के खेल में उनकी इतनी दिलचस्पी बढ़ी कि उन्होंने क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का निश्चय किया। दिलशान ने साल 1996 में प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने लगे, और उनके इसी शानदार प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें साल 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना। इस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण साल 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए की, और चयनकर्ताओं के फैसले को सही साबित करते हुए सीरीज के दूसरे मैच में ही उन्होंने 163 रनों की शानदार पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बनाया। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अपना पदार्पण साल 1999 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए की, पर उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय शतक साल 2006 में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए बनाया था। उसके बाद उनके प्रदर्शन में स्थिरता नहीं रहने की वजह से वो टीम से बाहर कर दिए गए, हालांकि वो घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद उनके आक्रामक खेल को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2020 टीम में शामिल किया गया, और इस तरह 15 जून 2006 को उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 गेम में अपना पदार्पण किया। पर दुर्भाग्यवश वो अपने पदार्पण मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 3 देशों की एक दिवसीय सीरीज में शामिल किया गया, जहां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा तीसरी टीम थी भारत, और उन्होंने पहले मैच में ही भारत के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए 59 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली, पर बाद के 2 मैचों में जल्दी आउट हो जाने की वजह से उन्हें फिर से मिडिल ऑर्डर में भेज दिया गया, जहां उन्होंने इसी क्रम में खेलते हुए 11 महीने बिता दिए। सीजन 2008-09 में श्रीलंकाई टीम अपने सलामी बल्लेबाजों की समस्या को लेकर जूझ रही थी, क्योंकि कुमार संगकारा, माइकल वेंडोट और उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज सनत जयसूर्या लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। तब दिलशान को साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में ओपनिंग करने का दूसरा मौका दिया गया, और दिलशान ने इस बार इस मौके को जाया नहीं होने दिया और सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 257 रन बनाए और 2 बार मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके बाद दिलशान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाते रहे। उनकी मौजूदगी में ही श्रीलंका ने 2014 का ICC विश्व कप 2020 का खिताब जीता था और साल 2009 और 2012 के ICC विश्व कप 2020 के फाइनल में जगह बनाई थी। वे उस टीम का हिस्सा भी थे जिसने 2007 और 2011 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। इन सभी टूर्नामेंटों में उन्होंने अपने लाजवाब प्रदर्शन से लोगों के दिलों में और साथ ही साथ क्रिकेट के इतिहास में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। उनके आक्रामक खेल को ध्यान में रखते हुए साल 2008 में IPL के पहले सीजन में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था।
वे श्रीलंका के चौथे और विश्व के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और विश्व के तीसरे और श्रीलंका के पहले खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने T20 में 1500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वे T20 मैचों में 200 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। इसके अलावा साल 2009 से 2015 के बीच में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 4 बार 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और इसी दौरान उन्होंने कभी भी किसी साल में 800 से कम रन नहीं बनाए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 2013 में उन्होंने एक टेस्ट मैच में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 193 रनों की शानदार पारी खेली थी। ये इस ग्राउंड में किसी भी श्रीलंकन खिलाड़ी द्वारा खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। DRS के नियम के अंतर्गत अंपायर के फैसले के खिलाफ अपील कर अपने फैसले को सही साबित करने वाले वो पहले क्रिकेटर भी है। दिलशान के नाम 16 टेस्ट शतक, 22 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक और एक T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक है। वे क्रिकेट इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करते हुए पहले मैचों में ही शतक लगाए हैं। वो खेल के सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय शतक हासिल करने वाले दूसरे श्रीलंकाई और कुल मिलाकर 5वें हैं। दिलशान को 2009 के T20 सेमीफाइनल में खेले गए 57 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी के लिए ICC ने उन्हें T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। उन्होंने 2015 के विश्व कप के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए मिशेल जॉनसन के एक ओवर के सभी 6 गेंदों में 6 चौके जड़े थे। इस तरह विश्व कप में ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। दिलशान ने 9 अक्टूबर 2013 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दिलशान ने 2013 में आर प्रेमदासा स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए अपने आखिरी मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और एक दिवसीय और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखा। अगस्त 2016 में दिलशान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के अंत में एक दिवसीय और T20 क्रिकेट दोनों से संन्यास ले लेगा। उन्होंने 28 अगस्त 2016 को ODI क्रिकेट से और 9 सितंबर 2016 को T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो दिलशान को भी अपनी निजी जिंदगी में कई तरह के विवादों से रूबरू होना पड़ा है। दिलशान ने अपनी जिंदगी में 2 बार शादी की है। उन्होंने अपनी पहली शादी निलंका विथानगे से की थी, जिससे उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रिशाडू तिलक रत्ने है। बाद में कुछ निजी वजहों से दिलशान ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद उन्होंने वर्तमान में अपनी दूसरी पत्नी मंजुला थिलिनी से शादी की, जो कि एक श्रीलंकन TV एक्ट्रेस है, और वे दोनों IPL 2008 के दौरान एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधे थे। इसके कुछ सालों बाद ही दिलशान की पहली पत्नी निलंका ने दिलशान पर बेटे रिशांडू की देखभाल के लिए गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा दाखिल कर दिया था, पर बाद में आपसी रजामंदी से इस मसले को सुलझा लिया गया था। साल 2012 में दिलशान एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए थे, जब भारतीय फिल्म अभिनेत्री नुपुर मेहता ने दिलशान पर आरोप लगाया कि उनका दिलशान के साथ 3 सालों से अफेयर चल रहा था, पर अब दिलशान उन्हें धोखा दे रहे हैं। 1 अगस्त 2015 को दिलशान को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना द्वारा गुर्दे की बीमारी का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति टास्क फोर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। 23 अक्टूबर 2014 को दिलशान ने एक छोटे पैमाने पर लग्जरी होटल खोला, जिसका नाम होटल डी पेवेलियन इन रखा, जो कि किरुपाना में स्टेटफोर्ड लेन में स्थित है। होटल श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे की उपस्थिति में खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दिलशान और उनकी पत्नी ने हेमा संसार राय नामक एक वीडियो गीत भी जारी किया था। वो फिलहाल एक TV अभिनेता है और अब राजनीति में भी कदम जमाने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें राजनीति में भी एक शानदार पारी खेलते हुए देखेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंकन क्रिकेट के एक धाकड़ ऑलराउंडर तिलक रत्ने दिलशान की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।